जिला में बेहतरीन सेवाएं देने के लिए 108 एम्बुलेंस स्टाफ को उपायुक्त कार्यालय में आज अतिरिक्त उपायुक्त आशुतोष गिरिंग ने प्रशंसक पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान फरवरी माह में सेवियर ऑफ द मंथ के लिए लटबरोल एम्बुलेंस के स्टाफ इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन जालपा देवी तथा पायलट सुनील को सम्मानित किया गया, जिन्होंने फरवरी माह में एक क्रिटिकल प्रेगनेंसी के केस को हैंडल किया था, जिसमें प्रसव के दौरान बच्चे की गर्दन में अमीलिंगल कार्ड लिपटी हुई थी। इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन जालपा देवी ने 108 पर कॉल कर डॉक्टर प्रेम से सलाह ली और एम्बुलेंस के अंदर ही महिला का सफल प्रसव करवाकर महिला और बच्चे की जान बचाई। मार्च माह के लिए जोगिंदर नगर एम्बुलेंस स्टाफ इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन सुषमा देवी तथा पायलट रणवीर को सेवियर ऑफ द मंथ के लिए सम्मानित किया गया, जिन्होंने एक ब्लड वॉमिटिंग केस हैंडल करके मरीज को जरूरी प्राथमिकताएं उपचार देकर उसे समय पर हॉस्पिटल पहुंचाकर उसकी जान बचाई। अप्रैल माह के लिए सेवियर ऑफ द मंथ लटबरोल एम्बुलेंस के लिए स्टाफ इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन जलपा देवी और पायलट सुनील को सम्मानित किया, जिन्होंने अप्रैल माह में एक एपिलेप्सी का केस हैंडल किया था, जिसमें मरीज को पैरालिसिस अटैक के बाद मिर्गी का दौरा पड़ा था। मरीज के परिजन ने 108 पर सूचना दी। सूचना मिलते ही लटबरोल के 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंचकर मरीज को प्राथमिक उपचार देकर उसकी जान बचाई थी और मरीज को पालमपुर हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त मंडी आशुतोष गर्ग ने सभी 108 नेशनल एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारियों को बेहतरीन कार्य के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 108 नेशनल सर्विस अपनी बेहतरीन सेवाएं प्रदान कर रही है। उन्होंने 108 एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारियों को बेहतरीन सेवाओं की सराहना की तथा भविष्य में भी इसी तरह कार्य करने का आह्वान किया। इस मौके पर 108 नेशनल एम्बुलेंस के मंडी जून के प्रोग्राम मैनेजर मुश्ताक अहमद और जिला प्रभारी सौरभ ठाकुर भी उपस्थित थे। फोर लाइन के कार्य होने डियोडपुड़ो में चेतराम और तिलक राज के घर में फोर लाइन के कार्य से दरारें आ गई हैं। ये बात घर के मकान मालिक चेतराम ने कही। पीड़ित चेतराम ने कहा कि घर से 10 मीटर की दूरी पर सीमेंट कंक्रीट बेस्ड प्लाट लगाया है, जिसकी वाइब्रेशन के कारण घर में भारी नुकसान हो गया है और लेंटर से भी बारिश का पानी टपकना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि प्लांट के लिए कंपनी ने जमीन की बहुत ज्यादा कटिंग की है, वहीं प्लांट को यहाँ से उठाने उठने वाली धूल और प्रदूषण फैल रहा है। हमने एफकॉन कंपनी NHAI और DC महोदय को भी लिखित में जानकारी दी है और अभी तक इस पर कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई जा रही है। उन्होंने DC महोदय से मांग की है कि हमारे घर में जो भी नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिया जाए और मिक्सर प्लांट को यहाँ से हटाया जाए। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट फॉरम कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के सदस्यों ने कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में प्रेस को संबोधित किया। संघ के अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप ने कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर को ICAR की रैंकिंग में 11वां स्थान प्राप्त करने पर प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि देश भर में लगभग 75 कृषि विश्वविद्यालय में पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा यह स्थान प्राप्त करना गौरव का विषय है। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट फॉरम उपलब्धि का श्रेय छात्रों और अध्यापकों व कर्मचारियों के साथ विश्वविद्यालय प्रशासन को भी जाता है। डॉक्टर प्रदीप कुमार ने कहा कि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट फॉरम पिछले 5 वर्षों से कार्यरत है और इन 5 वर्षों में साइंटिस्ट ने कई कार्यक्रमों का आयोजन किया है। अब फॉरम प्रदेश का संगठन बन गया है, जिसमें प्रदेश में कार्य करने वाले अन्य कृषि संस्थानों में कई वैज्ञानिक फॉरम के सदस्य बनाए गए हैं। इसी कड़ी में अगस्त में प्रदेश स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर के वैज्ञानिक भाग लेंगे। इस सम्मेलन में कृषि से संबंधित विभिन्न विषयों पर वैज्ञानिक चर्चा करेंगे। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट फोरम के अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमार ने कहा कि संघ ने पिछले पत्रकार सम्मेलन में हिमाचल प्रदेश प्राइवेट एजुकेशन रेगुलेटरी
कमीशन के चेयरमैन के कथित भ्रष्टाचार में शामिल होने के मुद्दे को उठाया था। वो प्रदेश सरकार से मांग की थी कि उन्हें तुरंत प्रभाव से निष्कासित किया जाए, लेकिन अफसोस कि प्रदेश सरकार ने अभी तक इस विषय पर कोई कार्यवाही नहीं की। अभी हाल में ही RTI के माध्यम से सूचना के आधार पर ये ध्यान आया है कि शूलनी यूनिवर्सिटी में BSSC एग्रीकल्चर विषय को रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन ने नियमों को दरकिनार करते हुए अनुमति प्रदान की है। कमीशन के सदस्यों ने भी चेयरमैन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री व राज्यपाल को शिकायतें भेजी हैं कि जो गंभीर आरोप लगाए हैं जिनकी जांच करवाएं तथा ऐसे व्यक्ति को तुरंत बर्खास्त करें। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट फोरम के सदस्यों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश प्राइवेट एजुकेशन रेगुलेटरी कमीशन को समाप्त करने की अपील की है।